अस्सलाम वालेकुम, आई एम मेहरीन, आई एम कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। इस वक्त मैं अली मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद में अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मॉर्निंग टाइम मिक्स में सुबह 9 से 2 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। इसके अलावा पिछले 10 साल से ऑनलाइन के जो पेशेंट्स हैं और जो क्लाइंट्स हैं जो नहीं आ सकते और अपनी जो बीमारी से रिलेटेड कोई बात नहीं क्लिनिक में कर सकते, वो ऑनलाइन भी कंसल्टेशन मुझसे ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जैसा कि हम बहुत मशहूर एक कहावत है कि यू आर व्हाट यू ईट, इससे साबित ये होता है कि हम वही होते हैं जो हम खाते हैं। जो हमारी ग़िज़ा और जो हमारी ग़िज़ाइत होती है वही हम बनते हैं। हमारे बॉडी सेल्स कुछ अरसे के बाद टूटना शुरू हो जाते हैं और डीजेनरेट होके नए बॉडी सेल्स बन जाते हैं, और ये वहीं से बनते हैं। कहाँ से? हमारी खुराक से। जितना अच्छा हम खुराक का इस्तेमाल करेंगे, जितनी नेचुरल डाइट हम लेंगे, इतनी ही नेचुरल और ओरिजिनल हमारी पर्सनालिटी और हमारी बॉडी होगी। और जितना ज़्यादा हम प्रोसेस फूड और जितने टॉक्सिन्स देंगे, इतनी ही ज़्यादा हमारी बॉडी प्रोसेस चीज़ों से यानी आर्टिफिशियल फूड से ख़राब हो सकती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन यहीं से साबित होती है कि चाहे किसी भी किस्म की आप किसी बीमारी में हैं या फिर नॉर्मल डे टू डे जो आपकी इनटेक है, चाहे वो बच्चे हों या बुज़ुर्ग हजरात हों या फिर किसी भी एज में, आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और एक हेल्दी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप एक हेल्दी और एक नेचुरल और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अब हर बीमारी में, जैसे कि कुछ लोगों को डायबिटीज़ होती है, कुछ को हाइपरटेंशन है, किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, किसी का यूरिक एसिड ज़्यादा है, एक ही किस्म की खुराक हर तरह के मरीज़ और हर तरह के एज ग्रुप के बंदे की नहीं हो सकती। मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ के साथ में हमें खुराक को बैलेंस करना होता है। ये काम एक अच्छी डाइटिशियन या एक माहिर ग़िज़ायात ही आपको बता सकती हैं कि एक शुगर के मरीज़ को किस तरह की खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए और उन चीज़ों को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों से, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, पर यह सोचते हुए कि शायद ये चीज़ भी हमारे लिए नुकसानदेह है, हम बहुत सारी नेमतों से अपना मुंह मोड़ लेते हैं और उससे होता क्या है, बजाय फ़ायदे के हमें नुकसान होता चला जाता है। तो न्यूट्रिशन हर एज ग्रुप के हिसाब से, चाहे वो मर्द है, औरत है, बच्चा है, बुज़ुर्ग है, और किस किस्म की उसको बीमारी है, उस हिसाब से न्यूट्रिशन डिफरेंट होती है। और इस चीज़ का तयन करना और अंदाज़ा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राइट न्यूट्रिशन इन राइट अमाउंट एट राइट टाइम किस तरीके से इस्तेमाल की जानी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो डाइटिशियन से पूछती हैं, स्पेशली फीमेल्स होती हैं, वो होता है वेट लॉस का, कि डॉक्टर साहब हमने हर किस्म की चीज़ की है, हर काम किया है, लेकिन हमारा वज़न कम नहीं होता। देखिए, वज़न घटाना एक तरह से आसान भी है और एक तरह से बहुत मुश्किल भी है। 90% लोग वो होते हैं जिनका वेट गेन अपनी इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल या फिर अपने डाइटरी पैटर्न की वजह से होता है। उनके उसी डाइटरी पैटर्न को ठीक करके और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके वज़न कम किया जा सकता है। अरसा 10 साल से मैं इस तरह के मरीज़ देख रही हूँ, ख़ास तौर पर ख़वातीन को देख रही हूँ जिनके यही मसाइल हैं, या उनको PCOS का प्रॉब्लम है, या फिर डायबिटीज़ के साथ में, या फिर उनके बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर आप वॉक और एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या आपको पार्क्स या फिर वो जिम की सहूलियात मैसर नहीं हैं, और बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी हेल्प कर रही हूँ ताकि वो अपने मौजूदा रिसोर्सेज में रहते हुए अपने वज़न को घटा सकें। और जाहिर सी बात है, एक डेफिनेट बात है कि वज़न को कम करने से और घटाने से बहुत ज़्यादा बीमारियों का इलाज हो जाता है। कस्टमाइज डाइट प्लान क्या होता है? देखिए, दो तरह के प्लान होते हैं। आपको गूगल पे, इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे डाइट प्लान्स मिल जाएंगे जो कि आपके सैंपल डाइट प्लान्स होते हैं। आप 1200 कैलोरी का डालें, 600 कैलोरी का डालें, 2000 कैलोरी का डालें, आपको 10,000 डाइट प्लान्स मिल जाएंगे, लेकिन वो कोई भी डाइट प्लान आपके हिसाब से नहीं है। हो सकता है आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, जैसे आप डायबिटिक भी हैं, आपका वज़न भी ज़्यादा है, आपका यूरिक एसिड भी ज़्यादा है, और इसके अलावा आपका हाई कोलेस्ट्रॉल भी है। अब आप ऐसा प्लान फॉलो कर रहे हैं जो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर नहीं बनाया गया, तो वो चीज़ आपका कस्टमाइज प्लान नहीं होगा। कस्टमाइज प्लान एक टेलर्ड डाइट प्लान होता है, जिस तरह से आप अपने टेलर के पास जाते हैं, अपने बॉडी इंचेस कराते हैं, और उस हिसाब से आपका प्रॉपर ड्रेस तैयार हो जाता है और वो आप पर बहुत अच्छे से फिट आ जाता है। टेलर डाइट प्लान या कस्टमाइज डाइट प्लान आपके लाइफस्टाइल, आपकी रूटीन, आपके एज ग्रुप और आपकी पसंद नापसंद को देखते हुए बनाया जाता है, और चूंकि ये आपके मुताबिक होता है इसलिए आपका फॉलो करना आसान हो जाता है, और जब आप फॉलो करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट भी 100% मिलते हैं।
بہت سارے لوگ ہم سے یہ کوسچن کرتے ہیں کہ مختلف بیماریوں میں کس طرح کی ڈائٹ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ قسم کے آپریشنس ہوتے ہیں جو سرجریز ہوتی ہیں جیسے کہ لائپوسیکشن ہو گیا بیریٹرک سرجری ہو گئی یا پھر ڈفرینٹ قسم کی چھوٹی بڑی جتنی بھی سرجریز ہوتی ہیں اس کی ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے یہ بہت ویلڈ کوسچن ہے آپ کی ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن آپ کی بیماری میں مختلف ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے کس نوعیت کا آپریشن ہے چاہے وہ کوئی جنرل سرجری ہے یا پھر کوئی آرتھوپیڈک سرجری ہے یا پھر کوئی نیورو سرجری ہے اس حساب سے آپ کی ڈائٹ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے کیونکہ ہر سرجری میں آپ کی جو انٹیک ہے چاہے وہ ریگولر ڈائٹ ہے یا لکوڈ یا سافٹ ڈائٹ وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے آفٹر سرجری آپ کو بہت زیادہ اچھی کیلوریز اور بہت اچھی نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے ایسے موقع پہ بہت بہترین جو آپ کی خوراک ہوگی یقیناً اس کے ریزلٹس بھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ کی ریکوری میں بہت زیادہ اس سے ہیلپ ہو جائے گی نیچرل فوڈ اور پروسیس فوڈ میں بہت فرق ہے نیچرل فوڈ وہ ہے جیسے کہ ہم فروٹس ویجیٹیبلز یا وہ تمام آرگینک چیزیں جو ہم ڈیلی روٹین پہ خالص طور پر استعمال کرتے ہیں بنسبت اس کے جو پروسیس فوڈ ہے جس میں تمام ایکسپائری ڈیٹس آ جاتی ہیں یا ڈبے میں بند پیکیجنگ میں بند جتنی بھی چیزیں ہیں یا پھر ہمارا موسٹلی جو جنک فوڈ ہے فاسٹ فوڈ ہے یہ وہ تمام چیزیں پروسیس ہو کے جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ پروسیس فوڈ ہے کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آرگینک اور نیچرل چیزوں کا استعمال کریں تاکہ آپ بہت سارے ہارمفل ایجنٹس اور بہت سارے کلر ایجنٹس سے اپنے آپ کو بچا سکیں اگر آپ میرے اپوائنٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ مرہم کی ایپ پہ یا مرہم کی ویب سائٹ پہ جا کے اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں تھینک یو سو مچ